यूरोप कंट्री का वीजा लग जाएगा यार। यूरोप कंट्री एक कंट्री नहीं, लगभग आप 26 कंट्री घूम सकते हैं। लेकिन हम गरीब लोगों को कोई नहीं दिखता, भले हम गरीब हो ना, लेकिन लोगों को गरीब दिखना नहीं चाहिए। हेलो 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 हेलो, नमस्ते नशी दिले, सलाम वालेकुम, आप सबको स्वागत करते हैं बाम जुमेरा में। आज एक बात करना थी आप सबसे। लोकेशन जबरदस्त है इसलिए यहाँ आके बात करेगा सोचा। वैसे आज मेरा ड्यूटी यहाँ पर था। आप और हम में से बहुत लोग हैं जो यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग क्या कहते हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और यूरोप कंट्री में चाहे घूमने के लिए जाए, चाहे वो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वर्किंग कर ली, फिर यहाँ पे वहाँ पे परमानेंट क्या कहते हैं सेटल किए जाए, पैसे होते ना बराबर पे करना पड़ता है, लगभग 8 लाख से 10 लाख 12 लाख, एम राइट? देखो मैं ये हवा ये बात नहीं करता हूँ, जो मैंने देखा है, मेरे कई दोस्त लोग हैं जिन्होंने 10 लाख 12 लाख देखी है, फ्रांस में गए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? तो आज मेरे पास यहाँ दुबई में आके जो मैंने नॉलेज गेन किया है ना, जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। यदि कल को जाके आप में से कोई दोस्त या कोई ऐसे फंस ना जाए, फंसने का मतलब इतना पैसे ना दे, 10-12 लाख देना भी फंसने के बराबर है, राइट? क्योंकि 10-12 लाख यदि हमारे पास होता तो हम बिजनेस करते हैं ना कुछ इंस्टॉल डालते हैं, कुछ ना कुछ दुकान खोलते हैं या गाड़ी घोड़ा खरीदते अपना काम करते हैं। हम थोड़ी ना क्या कहते हैं यूरोप कंट्री जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, वो पैसा को कमाने के लिए ही हम वहाँ यूरोप कंट्री जाते हैं, और वो 10-12 लाख भी इसे लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, वो भी इंटरेस्ट में, राइट? ओके, ये लंबा चौड़ा बातें नहीं करते हैं। 10-12 लाख बगैर दिए आप यूरोप कंट्री में, चाहे विजिट वीज़ा में हो या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में हो, जाके वहाँ पे सेटल करना हो, जाएंगे कैसे? उससे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो मैं इंडिया से हूँ और मैं रहता हूँ मान लो आसाम में, और मैं जाना चाहता हूँ मान लो लद्दाख में, एक स्टेट से दूसरा स्टेट घूमने जाना चाहता मैं, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक मिडिल फैमिली होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं हम 2 महीने के बाद जाएगा लद्दाख में और उसमें इतना खर्च होगा, ये होगा, बजट एक बनाते हैं, राइट? तो आप भी सोच लो यार, यूरोप कंट्री है वो, और वहाँ का करेंसी, वहाँ का सब कुछ सिचुएशन अलग होगा, तो उसके लिए कितना हमें प्लान करके चलना होगा। मैं ये आपको बता रहे हैं कि 10-12 लाख बगैर दिए आप कम से कम मिनिमम से मिनिमम खर्चे में आप कैसे जा सकते हो। 10-12 लाख आप उसी केस में देना पड़ सकते हैं जिस केस में आपको कोई नॉलेज नहीं है यूरोप कंट्री क्या चीज़ है, वहाँ जाने का खर्चा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं मालूम, तब आपको 10-12 लाख देना पड़ता है। यदि आपके पास कुछ भी नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आपको इतना देना नहीं पड़ेगा, स्पेशली घूमने के लिए तो इतना बिल्कुल देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें करना होगा आपको, वो क्या चीज़ें हैं वही बताऊँगा मैं, ठीक है? यूरोप कंट्री जाने के लिए सबसे पहले तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मान लो जैसे कि हम अमीर और गरीब में यही तो डिफरेंस है, अमीर लोग चाहें तो रात निकल जाए यूरोप कंट्री, लेकिन हम नहीं निकाल सकते, हमारे पास 10 लाख अभी अकाउंट में होना फिर भी नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आप मुख से बोलोगे लोगों को मेरे पास 10 लाख 20 लाख, नोबडी विल बिलीव यू, कोई विश्वास नहीं करेगा, राइट? सो हमें करना क्या है, पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। मान लो यदि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में जॉब करता है, अच्छी बात, जॉब नहीं है कोई बात नहीं, मान लो सपोज आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, आपने किसी उधार लिया 5 लाख रुपए और वो 5 लाख आपको देना भी है किसी को, राइट? आप क्या करें, कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाएं, मिडिल ईस्ट कंट्री मतलब दुबई में आ सकते हो, ओमान जा सकते, कतर जा सकते, कुवैत, कहीं भी, सऊदी कहीं भी चले जाओ, यहाँ आने के लिए 5-10 लाख रुपये भी नहीं लगते, फर्स्ट होते यहाँ आप लगभग 1 लाख रुपये में हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ आके मान लो पहले विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, यहाँ आके आप फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं। फ्रीलांसर वीज़ा में क्या होता है, आपका चॉइस रहता है आप कौन सा वीज़ा लेगा, आप लेबर कैटेगरीज का लेगा या अच्छी क्या कहते हैं आपका मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर वगैरह वगैरह, जो अच्छी पोजीशन होते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, इन टाइप्स ऑफ वीज़ा लेगा आप। यदि आप इस टाइप का वीज़ा ले सकते हो, जो अकाउंटेंट है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जिनके सैलरी मिनिमम 8,000-5,000 ऐसा रख सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, रख सकते हैं 5,000, उसको आप हर महीना वो करो, क्या करते हैं, रोटेशन करो, सैलरी को डालो निकालो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी डाला अभी निकला, डालने के बाद कुछ खर्चा भी करो, ठीक है? इससे क्या होता है, आपका ब्यूरो जो बोलते हैं ना, बैंक का स्टेटमेंट स्ट्रांग होता है, ब्यूरो अच्छा बनता है। मतलब देखो, आपको यूरोप कंट्री जाना है तो एम्बेसी में तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, और डॉक्यूमेंट्स देखिएगा तो भी आपको जाने देगा, आप मुख से बोलेगा मेरे पास 10 लाख है 20 लाख है, नोबडी बिलीव्स यू, मैंने पहले बताया, राइट? तो आप वो 5 लाख भी लेकर आए हैं दुबई में, दुबई आने के आप कितना लगता है, लगभग विजिट में आते हो तो 40-50 हज़ार आ जाओगे, ठीक है? और यदि आपको दुबई में कोई पहचानता है तो 40-50 हज़ार
वो वीजे वीजा में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट उसको बोलो मुझे एक मैनेजर पोस्ट का वीजा दिला दो, वर्किंग अभी क्या कहते हैं इंप्लॉयमेंट वीजा दिला दो, जो फ्रीलांसर है। बाय द वे मैं बता दूं आपको, फिलहाल मैं हूँ पाम ट्री, मेरा नाम देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इसलिए मैं वीडियो बनाने का दिल किया और बना रहा हूँ। तो ऐसे एक वीज़ा में लगभग आपको खर्चा होएगा यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का लगभग हार्डली आपको 8-10 हज़ार मैक्सिमम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग ट्राई टिकट वगैरह सब मिला के 10 हज़ार खर्चा होगा मैक्सिमम, राइट। अदरवाइज यदि कंपनी आप खुद का कोई पहचान का भाई का है या फिर रिलेटिव का है तो 6-7 हज़ार में आपको वीज़ा निकाल जाएगा। ओके, मान लो 6-7 हज़ार छोड़ भी दो, क्योंकि हर किसी का यहाँ में दुबई में पहचान होना मुश्किल है या गल्फ कंट्री में होना पहचान मुश्किल है, लेकिन आपके पास 5-4 लाख है तो कोई पहचान का भी ज़रूरत नहीं है। आप 2 लाख रुपए खर्च करके आप एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा वीज़ा निकालो, ऐसा नहीं कि 2 लाख डायरेक्ट वहाँ से डाल देना, फिर ये गलती मत करना, 2 लाख डाल दिया ऐसा ना हो कि कोई खा के उरंची हो गया। कहने उनको बोलो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे सकता है तो कितना खर्चा होगा, बोलेगा लगभग 10 हज़ार यहाँ का। तो ठीक है, पहले मुझे क्या कहते हैं ऑफर लेटर दीजिए, ऑफर लेटर देगा तो ऑफर लेटर जेन्युइन होगा, उसके खर्चे लगभग 400-500 रुपये वो पे करें, 400-500 में ऑफर लेटर आ जाता है, देन आप फ्लाइट टिकट करें और तुरंत यहाँ आ जाइए। उस ऑफर लेटर में आपको ये होगा ना वर्किंग वीज़ा, वर्किंग वीज़ा को आपको ऑब्वियसली आने देगा यहाँ, है कि नहीं, वीज़ा निकलने के बाद। उसके बाद यहाँ की जो भी प्रोसेस में जितने जितना खर्चा होता है आप खुद बाय हैंड दे सकते हो, चाहे उसके लिए 10 हज़ार खर्चा हो चाहे 20 हज़ार खर्चा हो, भाई आप हैंड देते हो ऐसा हो कि पैसा खा के आपको उरंचू नहीं हो, कोई भागता नहीं है ना। तो पहले वो प्रोसेस होता है, आपको वीज़ा लगा लें यहाँ का मैनेजर का या सुपरवाइजर का, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छा डिजाइनेशन का वीज़ा लगा लें, ठीक है। मैं गिरने वाला हूँ, यहाँ पे स्टेबल जगह नहीं है। खैर, उसके बाद हर महीना आप जो सैलरी रखोगे मिनिमम याद करना 7-8 हज़ार से ऊपर रखना, ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। वो रखिएगा सैलरी, क्या करें आप हर महीना डालो, और ड्यूरेशन ऑफ दी 1 ईयर, मैंने एक बात तो बोलना ही बोल गई, यदि आप जाना चाहते हो यूरोप कंट्री घूमने के लिए तो प्लान कीजिएगा कि मिनिमम 1 साल 2 महीना 3 महीना या फिर आप 2 साल का ड्यूरेशन रख के चल सकते हैं। वो किस लिए, वो इसलिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो। लोग देखिएगा जब आप एम्बेसी में जाएगा, हाँ ये फलाना दुबई में रह रहा है, दुबई में काम कर रहा है, इसका डिजाइनेशन ये है, इसका सैलरी इतना है, कैसे मुख से बोलेगा, नहीं डॉक्यूमेंटेशन दिखाएगा, मैं दुबई में आया हुआ 1 महीना 1 साल हुआ 2 साल हुआ जो भी हुआ, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। उसके बाद स्टेटमेंट, आपको पैसे कितना है वो स्टेटमेंट दिखेगा, अच्छा इसका 8 हज़ार सैलरी है, 8 हज़ार हर महीना जा रहा है आ भी रहा है, और उसके बाद जो भी 8 हज़ार जब सैलरी डालते हैं तो फिर दूसरा दिन तुरंत नहीं निकलना है, आपको खर्चा करना है उसको, लाइक आप ग्रोसरी करते हो, कुछ परचेस करते हो, कपड़ा सामान जो भी उससे परचेस करना है, ठीक है। बाय द टाइम ऑफ द 2 ईयर्स और 1 ईयर जो भी ड्यूरेशन आप रखते हो, मिनिमम 1 साल तो रख के चलो, वो 1 साल के समय आप, आपके पास वर्किंग वीज़ा है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है जिसको आप आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, है तो आप यहाँ पे क्या है लीगल है और आप काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 साल का आपका ब्यूरो बन जाता है अच्छी खासा, देन आप आराम से आप कोई भी यूरोप कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 100 में से आपका 70% चांस होता है, क्योंकि आपका जो ब्यूरो ऑलरेडी अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा सैलरी है, आपका पोजीशन अच्छा है ना। और यूरोप कंट्री जाने के लिए जो एडिशनल होता है वो ज़रूरत होता है, जैसे कि मान लो कि ट्रैवल्स हिस्ट्री, मान लो आप गल्फ कंट्री बोलो या फिर दुबई बोलो, इसके अलावा और कहाँ कहाँ गया है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी पर होने से अच्छा है, नहीं भी है तो, बट ये चीज़ें ज़रूरी है, आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और आपके पास अच्छा एक डिजाइनेशन का जॉब होना चाहिए, ठीक है। ये दो होगा, उसके बाद बाय द टाइम जब आप अप्लाई करोगे, आप 5 महीना 6 महीना जब अपना सब बैंक स्टेटमेंट को आपने बैंक स्टेटमेंट्स करके ना, आई मीन क्या कहता है, आपको डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद आप जब अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के लिए आप चाहे एम्बेसी जा सकते हो, एम्बेसी के अलावा आप जा सकते हो VFS, हाँ किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि VFS के बारे में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होता है, आई मीन वीडियो बनाओ बोल के, मैं नहीं बनाया क्योंकि VFS में अभी तक गया नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ किया नहीं, तो मैं पर्सनली नहीं किया, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि लोगों का सुना वाला बात मैं कभी बताता नहीं हूँ, अपना जो तजुर्बा है जितना मेरा एक्सपीरियंस जो मैं जानता हूँ मैं वही बताता हूँ, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है VFS एक मेरिट, हाँ मेरिट बोलता है ना वो बीच का वाला, बोले तो एजेंसी का तरीका है, वो जो एम्बेसी में काम होता है वही वो लोग करते हैं, आई मीन वो तो नहीं करता, मतलब एम्बेसी आपको वीज़ा दिलाता है राइट, पर जो हमारा VFS होता है वो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करता है, वो एम्बेसी में पहुंचाता है, फिर वहाँ से वीज़ा लेके फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके लिए अलग चार्जेस लेते हैं, और उसमें भी कई तरह का आपका कैटेगरीज है, आपको VIP लेवल चाहिए क्या, कौन सा तरह सर्विस का भी टाइप्स ऑफ है, वो तो हर जगह में होता है। ओके, तो यही मैं बता रहा हूँ, आपका जब डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, आपने यहाँ आया
आपने मैनेजर का वीज़ा लगाया, मान लो आपका सैलरी 8,000 या 7,000 जो भी रखा आपने, हर महीना आपने सैलरी डाला है और हर महीना आपने एक्सपेंसेस दिखाया है, आपने रूम रेंट वहीं से पे किया है, आपने खाने का पीने का ग्रोसरी वहाँ से खर्च किया है, आपका 8,000 है तो हर महीना लगभग 2,000-1,500 खर्चा हो रहा है, बाकी पैसा आप रख रहे हो। उसके बाद जब आप जाओगे, हमें जाने के लिए जो प्लान होता है, आपका ड्यू डेट आ जाता है, अब मुझे अप्लाई करना है, एक साल हो गया है ना, एक साल हो गया आप अप्लाई करना चाहोगे, तो उस वक्त मिनिमम आपका अकाउंट में 15,000-20,000 हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आप किसी को देना नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंट हो जाता है कि हाँ ये बंदे के पास इतना पैसा है, वो वहाँ जाके आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और ये एफोर्ड नहीं करके वहाँ जाके भाग नहीं जाएगा, घूम नहीं हो जाएगा, ये वापस आएगा, क्योंकि यार ये दुनिया ही पैसे से चलता है यार, क्या कर सकता है। लेकिन हम गरीब लोगों को कोई नहीं दिखता, भले हम गरीब हो ना, लेकिन लोगों को गरीब दिखना नहीं चाहिए, जैसे मेरी तरह, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है फिर भी मैं मस्त तरह से जीता हूँ, राइट। खैर वही मैं बताना चाहता हूँ आपको, बस ऐसे करें तो आपका जो विजिट विजिट वीज़ा है ना, वो आसान से लग जाता है। यूरोप कंट्री का वीज़ा लग जाएगा यार, यूरोप कंट्री एक कंट्री नहीं, लगभग आप 26 कंट्री घूम सकते हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ शेंगेन वीज़ा, शेंगेन वीज़ा लग सकता है आपको। शेंगेन वीज़ा में एक किसी भी कंट्री का, स्विट्जरलैंड का लग गया, फ्रांस का लग गया, कहीं का भी लग गया, तो आप ये 26 कंट्री बिना वीजा का घूम सकते हैं, यूरोप कंट्री। सो दिस इज विजिट वीजा, ओके। देन यदि आप एम्प्लॉयमेंट वीजा में जाना चाहते हो तो आपको इतनी पकाने की जरूरत नहीं है, आपके बस मान लो आप यूरोप कंट्री जाके कल को सेटल होना चाहते हैं, काम पाना, काम मिल के आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ का परमानेंट आदमी बनना है, रेजिडेंट बनना है, देन आपको करना क्या है, स्पेसिफिक कोई आप पहले घर पे होम कंट्री में वो सीख लो, काम सीख लो, मान लो जैसे कि प्लम्बर या मान लो जैसे कि कारपेंट्री, कुछ भी, बिकॉज आजकल का जो ज़माना है ना, वो एजुकेशन से ज़्यादा मैटर क्या करते हैं, स्किल पे, ठीक है। कोई भी एक स्किल ले लो आप, सीखो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, या किसी के पास जाके गैरेज में काम कर लो, आपके पास जब कोई स्पेसिफिक स्किल होगा ना, वो स्किल को लेके आप दुबई में आओ, दुबई में आने का कितना यार भाई खर्चा नहीं होता ज़्यादा, 40-50,000 में खर्चा होता है, उसके बाद जॉब ढूंढो। दुबई में किस तरह से जॉब ढूंढना, मैं फिजिकली इसके लिए एक वीडियो बना के देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ आके जब जॉब ढूंढेगा आपको, उस फिजिकल मान लो आप कारपेंटर का हो या फिर आप प्लम्बर का हो, उसमें काम मिल जाता है, उसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना, 40-50,000 में आप आ गए यहाँ, काम मिल गया तो कंपनी आपको सैलरी भी देगा, एकोमोडेशन भी देगा, ट्रांसपोर्टेशन भी देगा, और क्या चाहिए। उसके बाद एक साल काम करो, दो साल होने से पहले आप क्या करो, अच्छा से एक रेज्यूमे बनाओ। उसके बाद यूरोप का कई सारा वेबसाइट्स है, ठीक है, जैसे कनाडा में जॉब बैंक्स है, ऐसे बहुत सारा वेबसाइट्स है, और या फेसबुक में भी कर सकते हैं आप, या फिर इंडीड में भी कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते रहो, कंटिन्यूसली करते रहो, और अपना जो रेज्यूमे है ना, वो मैं बार बार बताऊँ, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ, मस्त बनाओ। और जब वो रेज्यूमे आपको यूरोप कंट्री में किसी फलाना कंपनी वाला आपको स्पॉन्सर करता है, आपको हायर करता है, देन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग लाइक जीरो, शायद मुश्किल से कोई फ्लाइट टिकट करना पड़ सकते हैं, अदर इसका वाला वो कुछ करना नहीं पड़ता है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ अभी आपके पास पैसा है, आप इतना मगजमारे नहीं करना चाहते, इतना खिचड़ी नहीं पकाना चाहते, देन 8,00,000 दो, 10,00,000 दो, यूरोप कंट्री जाओ। लेकिन मैं आपकी जगह होता ना तो इतना पैसा पे नहीं करता, ठीक है। सो आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो यही था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।